नमस्कार, मैं डॉक्टर वीके गुप्ता, वीके न्यूरो केयर हॉस्पिटल हिसार व सिल्वर स्ट्रीक हॉस्पिटल गुड़गांव सेक्टर 87 की तरफ से आज मैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। आज मल्टीपल स्क्लेरोसिस का विश्व दिवस है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है और इसकी वजह से ब्रेन का नर्वस सिस्टम अफेक्ट हो जाता है और उसकी वजह से मरीज को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मल्टी स्क्लेरोसिस में दिमाग के अंदर पैचेस आ जाते हैं। यदि हम नॉर्मल भाषा में बोलें तो झिल्ली उतर जाती है और उसकी वजह से क्या है, मरीजों को जो है सिम्टम आ जाते हैं। इसके सिम्टम ये भी हो सकते हैं, आपको दो दिख रहा है, आपके एक तरफ हाथ पैर में सूनापन भी आ सकता है, मिर्किंग दौरे भी आ सकते हैं, सर दर्द भी हो सकता है। यदि हम मरीज को एग्जामिन करें तो कई बार मरीजों में एक तरफ हाथ पैर कमजोर हो जाते हैं, आंख की रोशनी चली जाती है। तो ये बीमारी पहले एक बार प्योरली स्टीरॉयड पर डिपेंडेंट थी। जब भी कभी किसी को मल्टीपल स्क्लेरोसिस होती थी हम स्टीरॉयड की मेडिसिन देते थे, लेकिन आज की तारीख में इसमें बहुत सारी दवा ऐसी आ गई हैं जो बीमारी को कंट्रोल कर सकती हैं और इसके रिलैप्सेस से आपको बचा सकती है। यदि आपके किसी भी रिश्तेदार को, जानकार को मल्टीपल स्क्लेरोसिस के बारे में कोई भी डॉक्टर बताता है कि ये बीमारी है, तो आप कृपा करके इसको किसी भी नर्वस सिस्टम से संबंधित डॉक्टर से संपर्क करें ताकि इनका प्रॉपर इलाज कर सके और उससे मरीज को स्वास्थ्य का लाभ भी हो सके। धन्यवाद। कंपेरेटिव हेल्थ केयर की मदद से आप अपने शहर के अच्छे डॉक्टर और अच्छे हॉस्पिटल एवं हॉस्पिटल में क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध है देख सकते हैं और कंपेयर करके बुक कर सकते हैं। अगर कोई पेशेंट लंबे समय से किसी बीमारी से ग्रसित है तो यहाँ अपनी रिपोर्ट्स शेयर कीजिए और डॉक्टर्स द्वारा सही राय जानिए। गूगल प्ले स्टोर से आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं और वहाँ से सारी सुविधाएं देख सकते हैं। हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए।